गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग डॉम को वॉक कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्री क्या होता है, किस तरह से एक एलिमेंट को सर्च किया जा सकता है एक पूरे HTML पेज के अंदर, और किस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है अलग अलग एलिमेंट्स को। हम लोग देखेंगे टेक्स्ट नोट क्या होता है, एलिमेंट नोट क्या होता है, कॉमेंट नोट क्या होता है, ऑटो करेक्शन कब और क्यों किया जाता है ब्राउजर के द्वारा, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर अपनी रैपल में और चैप्टर 7 आज से हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वॉकिंग द डॉम। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वॉकिंग द डॉम का क्या मतलब है। जब भी हम एक HTML पेज को एक्सेस करते हैं और उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तब हम लोगों को डॉम मैनिपुलेशन करना पड़ता है। अब डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, मान लो मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ codewithery.com, ठीक है, और मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं इस एलिमेंट का जावास्क्रिप्ट से कलर रेड कर दूँ, ठीक है। अब देखो, मैं एक बात आप लोगों को यहाँ पर बोलूँगा, मैं इसका कलर यहाँ पर रेड कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है कोई भी कलर किसी भी एलिमेंट का चेंज करना या कुछ भी करना आ जाएगा। अभी हम स्लोली स्लोली उस चीज़ को सीखेंगे। okay. तो बस आपको एक टेस्ट देना चाहता हूँ, तो ये मत सोचना आप लोग कि यार ये तो सिखाया ही नहीं था, ये क्या लिख रहे हो, ठीक है। देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि li की क्लास है कर्सर पॉइंटर, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर, और कर्सर पॉइंटर क्लास है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ इसकी क्लास नेम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम। अब आपको यार ये मैं इस चैप्टर में ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। कर्सर पॉइंटर, ठीक है, इस क्लास वाले सारे एलिमेंट्स मुझे दे दो, 27 एलिमेंट्स हैं इस पेज पर। मैं देखता हूँ कि ये कौन सा एलिमेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, जीरो तो ये है, फिर फर्स्ट ये है, सेकेंड वाला है, देखो थर्ड वाला। तो मैं करूँगा क्या कि मैं यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि जो थर्ड इंडेक्स पर एलिमेंट है उसका डॉट कलर डॉट स्टाइल डॉट कलर क्या कर दो, रेड कर दो, ठीक है। तो ये करने से देखो ये रेड हो गया, आप देख रहे हो ये चीज़ रेड हो गई, ठीक है। तो इस तरह के काम हम जावास्क्रिप्ट से करना चाहेंगे तो हमें पता होना चाहिए कैसे सेलेक्ट करना है एलिमेंट को, हमें पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट के बाद कौन सा एलिमेंट हमें किस तरह से सेलेक्ट करना है। तो ये सारे काम किए जाते हैं डॉम मैनिपुलेशन की सहायता से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक रैपल बनाई है जिसमें कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट का प्रयोग किया गया। मैं इसको नीचे कर दूंगा ताकि कोड आप लोग को दिखे, और कंट्रोल दबाकर क्लिक करूंगा और यहाँ पर script.js भी आ जाएगी। चैप्टर 7 के अंदर सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, डॉम ट्री रेफर्स टू द HTML पेज वेयर ऑल टाइप्स ऑफ नोड्स आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। डॉम ट्री का क्या मतलब है, आपकी जो HTML है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में और उसको आप एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर डॉम ट्री लिखूँ तो मे बी मुझे कोई ऐसा ग्राफिक मिल जाए जिससे कि मैं आप लोग को ये चीज़ समझा सकूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, डॉक्यूमेंट के अंदर HTML है, HTML के अंदर हेड और बॉडी है, ये एक ट्री की तरह है, ट्री और उसकी ब्रांचेस की तरह है। आप देखो डॉक्यूमेंट के अंदर जो एक ब्रांच है वो है HTML, HTML के अंदर है हेड और बॉडी, बॉडी के अंदर है H1, H2, H3, अलग अलग तरह से पेज के मुताबिक हो सकता है। हेड के अंदर है टाइटल और टाइटल के अंदर एक टेक्स्ट है माय टाइटल। तो हमारे पास क्या होता है कि तीन तरह के मुख्य तौर पर नोट्स हो सकते हैं, ठीक है। नोट्स तो बहुत तरह के होते हैं लेकिन तीन तरह के मुख्य तौर पर आप 90% इन नोट्स को देखोगे, टेक्स्ट नोट्स, एलिमेंट नोट्स और कमेंट नोट्स, ठीक है। ये क्या है, ये एक टेक्स्ट नोड है माय टाइटल, एंड में एक टाइटल है, तो माय टाइटल एक टेक्स्ट नोड है। अगर मैं आपको codewithery.com की व्यू पेज सोच करके दिखाऊं, या फिर एक काम करता हूँ यार, codewithery.com की नहीं दिखाता हूँ, मैंने कॉम्प्रेस कर रखी है क्योंकि मैं Next.js यूज़ कर रहा हूँ codewithery.com पर। मैं एक काम करता हूँ कि बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर जाता हूँ, शायद मुझे व्यू पेज सोर्स, हाँ ठीक है यही चाहिए था मेरे को। आप यहाँ पर देखो कि HTML के अंदर हेड है, ठीक है, हेड के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और फाइनली क्या होता है, जब टाइटल होगा यहाँ पर उसके अंदर एक टेक्स्ट होगा, ठीक है, टाइटल के अंदर क्या होगा, एक टेक्स्ट होगा जो कि है बूटस्ट्रैप द मोस्ट पॉपुलर HTML CSS एंड JS लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये इस तरह से टेक्स्ट नोड है टाइटल के अंदर। टाइटल अपने आप में क्या है, एक एलिमेंट नोड है, टाइटल एक एलिमेंट है, एक HTML एलिमेंट है, ठीक है। और एक और नोड जो हमने जिसकी बात की वो है कमेंट नोड। कमेंट नोड कहाँ पर है मैं आपको दिखाता हूँ, इस पेज पर कोई ना कोई कमेंट ज़रूर लिखा होगा। कमेंट HTML में इस तरह से लिखे जाते हैं। अब यार अगर आपको HTML नहीं आती तो आप मेरा HTML इन वन वीडियो, एक आधे घंटे का वीडियो है वो देख सकते हो, नहीं तो एक बड़ा भी है आप उसके नोट्स एक्सेस कर सकते हो, करीब 4 घंटे का वीडियो, क्योंकि हमने उसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रखे, तो वो भी एक्सेस कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। बट HTML बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप सिंपली HTML चीट शीट codewithery, देखो यहाँ पर आ गया, आप ये वाली मेरी चीट शीट भी एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, आप जो है HTML को बहुत क्विकली सीख सकते हो, बहुत ही जल्दी सीख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि टेक्स्ट नोड, एलिमेंट नोट्स और कमेंट नोट्स के बारे में हमने जान लिया।
एक HTML पेज के अंदर HTML रूट होता है, उसके अंदर होता है हेड और बॉडी, हेड के अंदर और चिल्ड्रन होते हैं, बॉडी के अंदर और चिल्ड्रन हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक डिव हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक स्पैन हो सकता है, स्पैन के अंदर और बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, एंड सो ऑन। अ टेक्स्ट नोट इज ऑलवेज अ लीफ ऑफ द ट्री, इस बात का क्या मतलब है कि टेक्स्ट नोट के अंदर कुछ नहीं हो सकता, और कैसे ही होगा यार, ठीक है आप खुद ही समझ लो इस बात को कि एक बार यहाँ पर टेक्स्ट नोट आ गया, दी मोस्ट पॉपुलर HTML CSS एंड JavaScript लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, ये चीज़ एक बार आ गई तो इसके अंदर तो कुछ डाल नहीं सकते। टाइटल के अंदर तो डाल सकते थे ओपनिंग क्लोजिंग टैग करके, टाइटल के अंदर है टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर कैसे डालें कुछ, समझ रहे हो आप। देखो HTML के अंदर हेड था, हेड का ओपनिंग टैग यहाँ पर आ गया, क्लोजिंग टैग नीचे होगा, ठीक है मिल जाएगा आप लोग ढूंढ लेना। इसके अंदर मेटा टैग आ गया है, ठीक है, इसके अंदर इसी के अंदर आ गया हमारा टाइटल टैग, ठीक है। टाइटल टैग के अंदर क्या हुआ कि हमने एक टेक्स्ट नोट डाल दिया, ठीक है, अब उसके अंदर तो कुछ आ नहीं सकता, तो वो हमेशा लीफ होती है। तो ये बात लिखी हुई है सिंपल सी, मैंने ये सब चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, और अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट का भी इंटरव्यू देने जा रहे हो ना तो HTML भी पूछ ली जाती है, क्योंकि आप डॉम मैनिपुलेशन तो कर ही नहीं सकते HTML के बगैर, ठीक है, तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए। अब ऑटो करेक्शन की बात करता हूँ, अगर कोई भी एक एरेनियस HTML इनकाउंटर होती है ब्राउजर में, आपने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, जैसे मान लो आपने एक ओपनिंग टैग लगाया, क्लोजिंग टैग लगाया ही नहीं, मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये हेलो वर्ड है, मान लो मैं इसके अंदर लिखता हूँ स्पैन, मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ स्पैन, और यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज मी, सेव करता हूँ और इसको रिलोड करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर हेलो वर्ड के बाद दिस इज मी लिखा आ जाएगा, नो सरप्राइजेस देयर व्हाटसोएवर, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको डिव से क्लोज कर देता हूँ, मान लो मैंने लिखा स्पैन, क्लोज कर दिया इसको डिव से, तो क्या ब्राउजर इसको अपनाएगा? ऑब्वियसली ब्राउजर इसको अपनाएगा नहीं, ठुकरा देगा। क्या करेगा ब्राउजर? इसको ठुकरा देगा, ब्राउजर कहेगा ठुकरा के तेरा टैग। क्या कहेगा ब्राउजर? ठुकरा के तेरा टैग। कौन सा टैग यूज़ करेगा ये? स्पैन। देखो यहाँ पे ओपनिंग टैग है और इसने यहाँ पर क्लोजिंग टैग लगा दिया, स्पैन। ऑटो करेक्शन कहते हैं इसको, मैंने नहीं लगाया था एक क्लोजिंग टैग यहाँ पर, ब्राउजर ने कहा यार कि तुमने एक ओपनिंग टैग लगाया है यहाँ पर स्पैन का, इसको कभी क्लोज तो किया ही नहीं तुमने। एक्चुअली मैंने किया था लेकिन डिव से क्लोज कर दिया था, ये वैलिड HTML नहीं है। तो ब्राउजर ने कहा कि क्यों ना मैं इसको स्पैन यहाँ पर इसको खोल के यहाँ पर तुम्हारा स्पैन से क्लोज ही कर दो इसको, ठीक है, और यहाँ तुम्हारा डिव गायब कर दो एकदम। देख लो क्लोजिंग टैग डिव का यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, गायब कर दिया इसने अपने आप। तो इसे कहते हैं ऑटो करेक्शन। अगर आप कुछ भी उल्टा उल्टा लिखते हैं तो ब्राउज़र आपको बचाने की कोशिश करता है। ब्राउज़र कहता है ए वत्स, क्या कहता है? ए वत्स, मैं तुझे बचाऊँगा, कहता है तुझे, तू नादान है, कहता है ए वत्स तू नादान है, तुझे नहीं पता कि स्पैन को स्पैन से क्लोज करते हैं और डिव को डिव से, इसलिए तेरी नादानी का यहाँ पर मेरे पास इलाज है और तेरी मासूमियत की वजह से मैं यहाँ पर जो है स्पैन यहाँ पर क्लोज कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, समझ गए ना? अब तो समझ जाना यार, अब भी नहीं समझोगे तो फिर मतलब मज़ा नहीं आएगा, समझ लो स्पैन। अब यहाँ पर इफ़ एन एरेनियस HTML इज एनकाउंटर्ड बाय द ब्राउजर इट टेंड्स टू करेक्ट इट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू पुट समथिंग आफ्टर द बॉडी इट इज़ ऑटोमेटिकली मूव्ड इनसाइड द बॉडी। अब आप बॉडी के बाहर कुछ लिखोगे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर आ जाएगा। अनदर एग्जाम्पल इज टेबल, टेबल टैग के अंदर हमेशा टी बॉडी होना चाहिए, एक रूल होता है। अगर आपने टेबल टैग के अंदर टी बॉडी नहीं डाला तब क्या होगा? अगर आपने टेबल टैग के अंदर टी बॉडी नहीं डाला तब ज़बरदस्ती डाल दिया जाएगा। ब्राउज़र क्या बोलेगा कमेंट में लिख के बताओ, क्या बोलेगा ब्राउज़र? मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, ब्राउज़र बोलेगा ए वत्स तो नादान है, ठीक है, कमेंट में लिखो यार, कमेंट में लिखो सब लोग, आप समझ गए, ठीक है। वॉकिंग द डॉम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि एक टिपिकल HTML पेज कैसा दिखता है। टिपिकल HTML पेज दिखता तो वैसे ऐसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा इन्होंने मेटा टैग्स और लिंक वगैरह ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं, तो मैंने सिंप्लीफाई करके नोट्स में लिखा हुआ है। एक टिपिकल HTML पेज ऐसा दिखता है, HTML हेड टाइटल, हेड का क्लोजिंग टैग, बॉडी के अंदर बहुत सारी अपने एलिमेंट्स होते हैं, H1 हो सकता है, H2 हो सकता है, डिव हो सकता है, स्पैन हो सकता है, टेबल हो सकती है, UL हो सकता है, LI हो सकता है, फॉर्म हो सकता है, एंड व्हाट नॉट। यार HTML की चीट चीट तो खोल के देखो। अब यहाँ पर आप देखो डॉक्यूमेंट जो होता है, डॉक्यूमेंट एलिमेंट करने से आपका HTML टैग आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी करने से आपकी बॉडी आएगी, डॉक्यूमेंट डॉट हेड करने से आपका हेड आएगा। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद ही देख लो यार, डॉक्यूमेंट डॉट हेड करूँगा ये मेरा हेड टैग आ गया यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट तो ये HTML आ गई, ठीक है, ये मेरी पूरी HTML आ गई, ये पूरी बॉडी आ गई, ठीक है। तो इस तरह से मैं जो है टाइटल एक्सेस कर सकता हूँ। अरे ये क्या कर दिया मैंने, मान लो मैं ये करना चाहता हूँ, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, मान लो मैं ये करना चाहता हूँ, इस पेज का टाइटल चेंज करना चाहता हूँ, एंटर मारा मैंने, देखो ऊपर ऊपर देख रहे हो टाइटल चेंज हो गया। अब ये बताओ ऐसे तो कोई भी किसी के भी पेज का टाइटल चेंज कर दे, ये तो सर्कस हो जाएगा बिल्कुल। अगर ऐसा हो जाए तो फिर ये मेरी साइट ऐसी दिखती ही नहीं, आप लोगों ने चेंज कर दिया होता किसी ने टाइटल, बहुत सारे हैकर्स हैं इस चैनल पर, बात तो सही है जो व्यूअर्स हैं, ठीक है। तो
ये क्यों मेरा जो साइट है उसका टाइटल बिल्कुल इंटैक्ट है, क्योंकि आप सर्वर साइट पे चेंज नहीं कर सकते, आप लोग यहीं पर अपने लिए चेंज कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर मान लो लिख दिया कि हैरी भाई सो रहे हैं, तो ये आपके कंप्यूटर में दिखाएगा बस हैरी भाई सो रहे हैं, ठीक है, बाकी लोगों के लिए HTML ही दिखाएगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल अगर मैं लिखूँगा कुछ इस तरह से, तो आप देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइटल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट हेड कर सकते हैं, लेकिन याद रखना डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, टाइटल टैग नहीं रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से करूँ, समझना इस बात को, एक स्ट्रिंग होगा, लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह से करूँ तो एक ऑब्जेक्ट होगा। याद रखना डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, टाइटल टैग रिटर्न नहीं करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी नहीं है इसको। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, बॉडी टैग रिटर्न करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट हेड जो है वो हेड एलिमेंट को रिटर्न करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट HTML को रिटर्न करेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी कैन समटाइम्स बी नल इफ द जावास्क्रिप्ट इज रिटन बिफोर द बॉडी टैग। कभी कभी जावास्क्रिप्ट को बॉडी टैग से पहले अगर आप लोगों ने लिख दिया तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी जो है वो नल होता है। इसका भी मैं आप लोग को उदाहरण यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं एक स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है। और इसको करूँगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। सेव किया मैंने इसको और मैं इसको रिलोड करूँगा, और आप लोग यहाँ पर देखना कि ये कह रहा है, एक एरर आ गया, ई का ऐसा मजाक कर रहा है हमारे साथ, ई का ऐसा मजाक कर रहा है हमारे साथ, कहाँ पर मिसिंग ब्रैकेट है लाइन नंबर 11 में, लेकिन हमने तो इसको सेव कर दिया है। देखो यहाँ पर नल आ गया, ठीक है, नल आ गया कि नहीं आ गया, हाँ। तो नल क्यों हुआ, नल हैंडपम्प वाला नल नहीं, वो वाला नल नहीं, NULL वाला नल इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को एक्सेस किया बॉडी से पहले, बॉडी पता ही नहीं है उसको, यहाँ तक जब पेज पार्स हो रहा है ये वाला, यहाँ तक पता ही नहीं है इसको, नीचे बॉडी भी है, ठीक है। बाद में इसलिए हमेशा अपनी जावास्क्रिप्ट आप लोग लिख सकते हैं, वो आपके पूरे पेज का एक्सेस रखेगी, वरना हम लोग जो है जब पेज लोड हो जाएगा तब कोई जावास्क्रिप्ट रन करेंगे, वो भी बता दूंगा आपको कैसे करते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए आप लोग करो सब लोग एक्सेस इस प्लेलिस्ट को, नोट्स वगैरह सब डल रहे हैं फोल्डर पे, कहां डल रहे हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया है, और उसी के साथ साथ रैपल वगैरह भी आप लोग एक्सेस करते रहो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करो, यहाँ क्लिक करके सेव करो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।